जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रहिए। आज हम आपको घर में कपकेक बनाना बहुत अच्छे तरीके से सिखाएंगे, बिल्कुल बाजार जैसे। आइए बनाते हैं कपकेक। जी व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम कपकेक बनाना आपको मुख्तलिफ किस्म के बताएंगे, तो उसका तरीकाकार तो एक ही होता है। ये देखें, ये उसके सांचे का है। आपको गोल पसंद हो गोल में बना लें, चौरस में हो तो चौरस बना लें। तो ये तो मैं बाद में इसकी तैयारी करूंगी। उसमें लगेंगे जी 2 अंडे, वनीला एसेंस, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और ये सफ़ेद सिरका, ठीक है जी, चीनी और 1/4 कप कुकिंग ऑयल और 3 से 4 चम्मच दही के, ठीक है जी, और कोको पाउडर। आपको सादा बनाना है तो सादा बना लें, कोको वाले बनाने हैं तो कोको, मैं ये चॉकलेट वाले बनाऊंगी, ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले इसमें हम 2 अंडे डालेंगे जग में। मैं इसी में बनाती हूँ, मैं बीटर से नहीं बनाती, ठीक है जी। तो ये देखें, ये बहुत आसान तरीके से बन जाता है, ठीक। और 1 छोटी टीस्पून सफ़ेद सिरका, ये ज़रूर जाइएगा, ठीक है जी। अब 1 चम्मच ही वनीला एसेंस, ये देखें भरकर, ठीक हो गया जी। अब इसमें जाएगा 1/4 कप कुकिंग ऑयल, उर्दू में 1/4 कप भी इसको कहते हैं, ठीक है जी। 3 चम्मच दही के चावल खाने वाले टेबलस्पून, 1, 2 और 3 भरकर डालिएगा, ठीक है जी। अब इसमें जाएगा 1 कप चीनी। अब मैं इसको ग्राइंड करके लाती हूँ जी। विवर ये देखें, उसका बैटर मैं तैयार करके ले आई हूँ। तो सबसे पहले उसकी ट्रे को ग्रीस करके तैयार करके रखूंगी, फिर उसके बाद इसका बैटर तैयार करूंगी जी। विवर ये देखें, थोड़ा थोड़ा आप कुकिंग ऑयल डालें, 1-1 कतरा, ठीक है जी, इसको ग्रीस करने के लिए, ये ज़रूरी है, इसके बगैर ये चिमट जाएंगे। ये देखें, इसको ऐसे ब्रश की मदद से आपने सबको ग्रीस कर लेना। और मुझे बताने का मकसद ये है कि मुझे इसके चौरस पेपर नहीं मिले, तो ये बड़े जो पेपर होते हैं ना कपकेक के, बड़े वाले, वो आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखें, मैं अभी आपको लगा कर भी बताऊंगी, ये देखें इस तरह, तो ये चौरस ही बन जाएंगे जब आप इसमें बैटर डालेंगे, तो ये चौरस ही आएंगे, ठीक है जी। जी व्यूअर, ये देखें, ये 1 कप मैदा है, मैंने छान कर रखा है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं इसको दोबारा छान रही हूँ, ठीक है जी। इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है जी व्यूअर। ये देखें, ये मैंने छान कर दोबारा उसी कप में डाल दिया, अब इसका बैटर निकालेंगे, ठीक है जी। सारा अच्छे तरीके से आप साफ कर लें और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालें, ठीक है जी। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा करके आपने मैदा डालना है। ये मैं 1.5 कप लेती हूँ, इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसमें कोको पाउडर शामिल होगा। जब आप कोको पाउडर शामिल करें तो मैदे की मिकदार उतनी ही कम कर दें जितनी आपने डालनी होती है, तो फिर ये बिल्कुल सही कप केक या केक बनाना हो बड़ा, तब भी यही तरीक़ाकार है। कप केक बनाने हो तब भी यही तरीक़ाकार है जी व्यूअर्स। ये देखें, ये मैं 3 बड़े चम्मच इसमें कोको पाउडर के डालूंगी, ये 1/2 कप बन जाता है, ठीक है जी। ये देखें, ये 3 मैंने भर कर डाले हैं, ये पूरा 1/2 कप है, ठीक है जी। जी ये देखें, और ये टोटल 1.5 कप, अगर आप खाली मैदे का बनाएंगे तो 1.5 कप मैदा, अगर कोको पाउडर डालना है तो 1/2 कप कोको पाउडर और 1 कप मैदा जी। व्यूअर ये देखें, ये हमारा कॉफ़ी कप और चॉकलेट वाला तैयार हो गया कोको पाउडर के साथ। तो ये इतना मीठा सोडा, ठीक है जी, 1/4 चम्मच, और 1 चम्मच भरकर बेकिंग पाउडर, ठीक है जी, बेकिंग पाउडर या 1.5 चम्मच कर लें लेवल करके। ये देखें, बस अब ये हमारा बैटर बेक होने के लिए तैयार है, ठीक है जी। इसको मैं करूँगी मिक्स, तो उसके बाद इसका सांचा ला के, तो मैं आपको बताती चलूँ कि ये मैं पतीले में ही बेक करूँगी। ये देखें, ये इसमें दिखाओ जी, ये देखें स्टैंड मैंने रखा हुआ है, ठीक है जी।
तो ये देखें इसके ऊपर ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसको 20 मिनट आपने फुल आंच पे ना, फुल आपने गर्म करना 20 से 25 मिनट, उसके बाद मीडियम करनी है और उसके बाद इसको बेक कर लेना, और वो पिक लगा के देख लें टूथपिक के साथ के अगर उसके साथ बैटर आ रहा है तो वो कच्चा है, अगर क्लियर आ रहा है तो आप उस वक्त ये केक निकाल लें। जी व्यूअर ये देखें इतना आपने बैटर डाला, और मैं ये जैम वाला बनाऊंगी तो ये थोड़ा सा जैम डाला आपने सेंटर में बिल्कुल, फिर उसके ऊपर ये बैटर डाला, ठीक है जी। ये देखें, ये देखें इस तरह, ये इसको फुल नहीं भरना क्योंकि ये फूल कर ऊपर आएगा। जी व्यूअर ये देखें ये दो जैम वाले बनाए हैं और ये दो मैं बादाम वाले बनाऊंगी, ठीक है जी, ड्राई फ्रूट वाले, तो आप बनाइएगा ज़रूर, आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह, ये बहुत अच्छे लगते हैं सर्दियों के लिए। और दो बनाऊंगी मैं किशमिश वाले जी, ठीक है, ये भी सर्दियों की सौगात है, वैसे तो बच्चे ड्राई फ्रूट खाते नहीं हैं, इस तरीके से तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला खा लेंगे। ये देखें ठीक है जी, ये मैंने भर भर के काजू डाल दिए, ये मैंने बना लिए जी काजू वाले, तीन बना लूँगी, ठीक है। और दो मैं अपने लिए बनाऊंगी अपनी पसंद के, ये देखें जी ये कॉफ़ी है मैंने बीट करके रखी हुई है कैपुचिनो, ठीक है जी, मैं इसके बनाती होती कॉफ़ी के, मुझे बहुत पसंद है, अभी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। मैं इसके साथ बेक भी करूँगी, और अगर आप चाहें तो बनाने के बाद ऊपर आप वैसे भी जैम की तरह लगा कर इसको खा सकती हैं, ये बहुत मज़े के बनते हैं, ठीक है जी। ये मैं दो बनाऊँगी, ठीक है जी, ये देखें ये अच्छा फ्लेवर आएगा। अभी मैं इसकी एक और चीज़ आपको बताती हूँ, ठहरे, ये देखें, ठीक है जी, एक मिनट, ये देखें ये थोड़ी सी कॉफ़ी लेकर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है, आप कभी बनाकर देखिएगा। तो अब मैं इनको बेक करने के लिए रखूँगी, जब तक ये पक ना जाए 20 से 25 मिनट लगते हैं। ये देखें जी ये मैंने रख दी है, अब मैं 20 से 25 मिनट इसको आराम से पकाऊंगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी व्यूअर ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ये सारे मेरे कपकेक तैयार हैं, अब मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स हमारे कपकेक तैयार हैं, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, अभी मैं आपको इनको थोड़ा सा तैयार करके भी दिखाऊंगी, सजावट आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। जी व्यूअर ये देखें ये हल्की फुल्की मैंने सजावट की है, तो अभी मैं आपको एक पेस्ट्री काट के भी दिखाती हूँ, ठीक है जी, कि कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो आइए कटिंग करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें उसका स्पंज अभी बहुत गर्म है, तो जब भी ठंडा हो फिर कटिंग कीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी इसका स्पंज देखें आप, और बेहतरीन चॉकलेट वाली बनी है, देखें जी। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।